दोस्तों देखा जाए हम लोग यहाँ पे घटना चक्र का जो करंट अफेयर है वो कर रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग यहाँ पे हैं। इसमें देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी हो गया है और इसके रिस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 वर्ष में आती है ये रिपोर्ट। और EPI LA सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, LA सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, ये LA विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस यानी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है और वर्ष 2024 में इस रिपोर्ट को तैयार करने में जेनेवा स्विट्जरलैंड स्थित है, जिसमें मैकाल एंड मैबेंस यानी फाउंडेशन, मैकाल मैबेंस फाउंडेशन ने भी सहयोग प्रदान किया और EPI में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों में रैंक प्रदान की जाती है, जिसमें EPI 2024 के तहत 11 श्रेणियों यानी कैटेगरी में विभक्त किया गया। 58 प्रदर्शन संकेतों यानी परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर विश्व के 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई और इसमें देखा जाए 4 जून 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में यानी कि रुकंडनिया देश हैं, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, जिसे हम लोग लगातार शीर्ष स्थान पे हैं और EPI में 2024 के समग्र रैंकिंग में यूरोपीय देश को भी शामिल यानी कि शीर्ष 20 स्थान में जगह मिले और EPI 2024 के समग्र रैंकिंग में एस्टोनिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और प्रथम अवसर है जब यह सूचकांक में किसी पूर्वी यूरोपीय देश की शीर्ष रैंकिंग है, जिसमें EPI 2012 में 22 में डेनमार्क के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। हालांकि EPI 2024 से इस देश की रैंकिंग गिरावट दर्ज की गई और यह नवीनतम रैंक 10वें स्थान पर पहुँच गया। तो देखा जाए जो यहाँ पे EPI इंडेक्स है 2024, इसमें शीर्ष देश हैं, सबसे पहला एस्टोनिया है और इसका स्कोर है 75.3 और उसके बाद लग्जमबर्ग है 75 स्कोर है, तीसरा जर्मनी है, चौथा फिनलैंड है, पांचवा यूनाइटेड किंगडम है। और EPI में अंतिम जो रैंकिंग है तो सबसे ख़राब रैंक है वियतनाम का, उसके बाद पाकिस्तान और लाओस और म्यांमार और भारत भी एक ख़राब प्रदर्शन है 176 में स्थान है, कितने में 180 में, तो काफ़ी ख़राब प्रदर्शन है EPI में इंडिया का भी। और ज्ञातव्य है कि EPI 2022 में भारत की सोच में अंतिम स्थान था 180, लेकिन अब थोड़ा सुधार किया गया और EPI 2024 में दक्षिण एशिया के 8 देशों के रैंकिंग में भारत 7वें स्थान पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व के तीसरे सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश बन गया है, यानी कि सबसे बड़ा। और विगत देश दशक के दौरान भारत में कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन यानी कि गैस जो है 32% की वृद्धि हुई है भारत में। और इसमें देखा जाए पारिस्थितिक तंत्र जीवित शक्ति है और इसमें जो रैंकिंग किया गया है 170 है और 30 जैव विविधता के अवसर पर 178 है, वन में 15 है और मत्स्य फिजरी में 116 है, वायु प्रदूषण में 129 है और एग्रीकल्चर में 46 है और वाटर और रिसोर्स में 104 है और पर्यावरण स्वास्थ्य में 177 है, इसमें वायु गुणवत्ता है और 177, स्वच्छ और पेयजल एंड सैनिटेशन ड्रिंकिंग 143 है, हैवी मेटल है 147 है, वेस्ट मैनेजमेंट 86 है और जल वायु परिवर्तन है 133 है, जलवायु क्लाइमेट मेटिगेशन है। अब इसमें देखा जाए QS यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी हो गया है 2025, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालती है। इसमें QS वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है का प्रथम संस्करण 2004 में किया गया और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतिवर्ष जून माह में जारी किया जाता है
और क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में केवल शीर्ष 600 संस्थानों को व्यक्तिगत रैंक प्रदान की गई है। इसके बाद संस्थानों को बैंड समूहबद्ध करके 601 से 610 बैंड के प्रारंभ करते हुए इस रैंकिंग में शामिल किया गया है, ठीक है। जिसमें देखा जाए 4 जून 2024 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी किया गया है, और यह इस रैंकिंग में 21वां संस्करण है और नवीनतम संस्करण, जिसमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का अब तक सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें विश्व 1503 संस्थानों को शामिल किया गया। अपनी निर्माण पद्धति यानी मेथोडोलॉजी में रोजगार योग्यता यानी कि इम्प्लॉयबिलिटी और स्थिरता सस्टेनेबिलिटी दोनों कारकों को शामिल करते हुए अपनी तरह की एक पहली रैंकिंग है। नवीनतम रैंकिंग जो मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका का लगातार 13वें वर्ष भी ये शीर्ष स्थान है। MIT 13वें वर्ष भी शीर्ष स्थान पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में अमेरिका के सर्वाधिक संस्थान 196 संस्थान इसमें हैं, और इस दृश्य से यूनाइटेड किंगडम कुल 90 स्थान दूसरे, मुख्य भूमि जो चीन है 71 स्थान है तीसरे स्थान पे है। तो अब देखा जाए इसमें सबसे पहला स्थान है MIT है, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है संस्थान, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का ये 100 स्कोर किया है। इम्पीरियल कॉलेज लंदन है UK ए 98.5 दूसरा स्थान है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है UK है 96.9%। हार्वर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका है और ये भी 96.8% है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK है 96.5 है। तो टॉप 5 में देखा जाए UK के हमारे पास क्या है, 3 है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्या हैं, 2 हैं। अब US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में भारत के कुल 46 संस्थाएं शामिल हैं, जिसमें IIT मुंबई इस रैंक में समग्र रूप से 118वां स्थान प्राप्त है। यह इस सूची के में शामिल भारत का शीर्ष स्थान है, 118वां इसका रैंकिंग है। 2025 में देखा जाए 118 है, और वहीं IIT बॉम्बे 149 2024 में था, और यहीं पे देखा जाए 2000 दिल्ली IIT 197 है 150, और इसमें भारत विज्ञान संस्था जो बंगलुरु में है इसका 211वां स्थान है 2025 में, और 225वां था 2024 में। तो सब में सुधार है। IIT खड़गपुर भी 271 तो 222 आ गया, IIT मद्रास 227 आ गया, 285, तो सभी में लगभग सुधार ही हुआ है। तो इसमें यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 ये क्या है, यात्रा एवं पर्यटन विशेष यहाँ पे विकास सूचकांक यानी कि ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है, और द्वारा 2007 में यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जो ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के अंतर्गत यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक है यानी कि TTCI ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स जारी किया जाता था। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक यानी कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास प्रत्यक्ष रूप से यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक है से ही हुआ है। परिवर्तित निर्माण जो है अल्टर मेथोलॉजी है, रूपरेखा एवं अन्य विभिन्नताओं के कारण यानी कि TTDI TTCI का अद्यतन अपडेट स्वरूप है, और 5 आयाम है, 5 डायमेंशन है। इसमें 17 स्तंभ हैं, जिसमें 102 व्यक्तिगत संकेतों यानी कि इंडिविजुअल इंडिकेटर को शामिल किया गया है। स्मरणीय जो तथ्य है इसमें 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच यानी कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। उल्लेखनीय है कि इस सूचकांक का प्रथम संस्करण मई 2024 में यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2021 शीर्षक के तहत जारी किया गया। ज्ञातव्य है इस द्वितीय वर्ष रिपोर्ट 2024 का संस्करण यानी कि सर्वे विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी सर्वे के सहयोग से प्रकाशित किया गया। TTDI 2024 में कुल 119 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, और उल्लेखनीय
है कि TTDI 2021 में केप वर्दे यानी कि चैंड हांग और कॉन्ग है, सार है, लेसोवा है, यमन है शामिल किया गया है। TTDI 2024 में शामिल नहीं किए गए हैं, जबकि अल्जीरिया, बर्बाडोस है, ईरान है, जमैका है, ओमान है, उज्बेकिस्तान है, जिम्बाब्वे जैसी अर्थव्यवस्था TTDI 2024 में पहली बार शामिल किया गया। TTDI 2024 में यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था शीर्ष पर बनी है। इसमें देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका है पहले स्थान पर, ठीक है, और दूसरे स्थान पर स्पेन है, और तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर फ्रांस है, पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। अब इसमें देखा जाए अंतिम जो तीन देश हैं तो माली सबसे ख़राब स्थिति में है 2.78 स्कोर लेके, और उसके बाद सीरिया लियोन है, उसके बाद कैमरून है। TTDI 2024 में यूरोप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है, और इस संदर्भ में एशिया प्रशांत क्षेत्र दूसरा स्थान है, और TTDI 2024 में वर्ष 2019 से सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला उप सहारा अफ्रीका है। TTDI 2024 में भारत का क्या है 39वां स्थान है और 4.25 इसका प्राप्तांक है। दक्षिण अफ्रीका में यात्रा एवं पर्यटन की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका में यात्रा एवं पर्यटन की दृष्टि। TTDI 2024 में निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था में भारत शीर्ष स्थान पर है। अब देखा जाए इसके बाद तीन भारतीय साहित्यिक कृतियां जो है यानी कि MoWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल हुए, यानी कि MoA क्या है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड होता है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, और कह सकते हैं इसमें शामिल हुए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि MoW मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम दस्तावेज विरासत में केंद्रित है। लिखित या दस्तावेजी विरासत डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज मानव जाति की एक विरासत है जिसके माध्यम से हम अतीत यानी कि पास्ट में वापस देख सकते हैं और अपने वर्तमान जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था, और इस उद्देश्य से विश्व में मूल्यवान पूरा लेख जो हमारे पास वैल्यूएबल आर्काइव होल्डिंग है और पुस्तक संग्रह लाइब्रेरी कलेक्शन का संरक्षण करना है, उनके व्यापक प्रसारण को सुनिश्चित करता है। और यहाँ पे MoWCAP मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारी समिति है IAC की सहायक इकाई है, सब्सिडरी है। MoCAP यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के लिए एक क्षेत्रीय मंच यानी कि MoCAP एशिया प्रशांत क्षेत्र में 43 देशों को समाविष्ट करता है। MoCAP का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी कि अंतर्गत मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को बढ़ावा देना है, उसकी निगरानी करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करना है। MoCAP मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के अंतर्गत दस्तावेजी विरासत के एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर का रखरखाव करना। उल्लेखनीय है कि यह रजिस्टर एशियाई प्रशांत क्षेत्र यानी कि प्रभावकारी दस्तावेज विरासत की सूची है। स्मरणीय तथ्य 6 से लेकर 10 मई 2024 के मध्य 10वीं यानी कि MoWCAP आम बैठक आयोजन का उलान बटार यानी कि मंगोलिया में किया गया। इस बैठक के दौरान MoCAP क्षेत्रीय रजिस्टर के कुल 20 नई कृतियों को शामिल किया गया और 2024 में MoWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर को भारतीय साहित्य की तीन महत्वपूर्ण कृतियां यानी कि जिसमें रामचरितमानस है और पंचतंत्र है और सहृदय लोक यानी कि लोचन है, सहृदय लोक लोचन को भी शामिल किया गया है। तीन इसमें कृतियां, ये नाम आप रखते हैं, MoWCAP में मतलब समाहित है भारतीय साहित्य जिसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामचरितमानस आप जानते हैं 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस को हिंदू साहित्य के सबसे बड़ी महान कृतियों में से एक माना जाता है। इसे तुलसीदास के रामचरितमानस की सचरित यानी कि
यानी कि इलस्ट्रेट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द रामचरित मानस ऑफ द तुलसीदास नाम MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण को रामचरित मानस का आधार माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद उल्लेखनीय है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस के बालकांड में स्वयं लिखा है कि उन्होंने रामचरित मानस की रचना आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत यानी 1631 यानी कि 1574 में रामनवमी के दिन मंगलवार को किया था। अब इसके बाद देखा जाए पंचतंत्र के बारे में, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्ट्री पंचदंत कथाओं यानी कि 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि है और 15वीं सेंचुरी मैन्युस्क्रिप्ट में पंचतंत्र फेबल्स नाम से शामिल किया गया। और उल्लेखनीय है पंचतंत्र काव्य पोएट्री और गद्य प्रोज के पशु दंत कथाओं एनिमल फेबल्स का एक संस्करण है। पंचतंत्र की कथाओं का 5 भागों में संकलन किया गया है। 5 भागों में संग्रह का के कारण इस कृत का नाम पंचतंत्र रखा जाता है। अब इसमें हृदय लोक लोचन क्या है? हृदय लोक लोचन रचित आचार्य आनंद वर्धन है और इसके हृदय लोचन की पांडुलिपि भारतीय काव्य शास्त्र का मौलिक पाठ है यानी कि द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द यहाँ पे हृदय लोचन सेमाइनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पोएटिक नाम से यानी MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया। और 9वीं से 10वीं यहाँ पे शताब्दी की इस पुस्तक में काव्य नाट्य शास्त्र और नाट्य अंतरिष्ठ थिएटरल इनसाइट संबंधित पाठ है और इसमें डिस्कशन मतलब पाठ टेक्स और डिस्कशन है। अब देखा जाए ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2024 उसमें कैसा स्थित है इंडिया का और अदर का। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पत्रकारों एवं मीडिया को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। और गौरतलब है इस सूचकांक को वर्ष 2002 में प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी NGO रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर यानी कि RSF 2002 में फ्रांसीसी NGO रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा सबसे पहले ये पब्लिश किया गया। अब इसमें याद रखने वाला क्या है, 3 मई 2024 को प्रिस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 22वां संस्करण जारी किया गया। और ज्ञातव्य है कि 3 मई 2024 को प्रेस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। और इस वर्ष इस दिवस का जो विषय था ग्रह के लिए एक प्रेस पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता यानी कि ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इज द फेस ऑफ द इन्वायरमेंट क्राइसिस। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थित मध्य पूर्वी उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की है। ठीक है, इस एशिया प्रशांत क्षेत्र पत्रकारिता करने यानी कि प्रैक्टिसिंग एंड जर्नलिज्म के संदर्भ विश्व का दूसरा सबसे कठिन क्षेत्र है। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट रीजन है जिसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के अनुसार शीर्ष 3 स्थान है जिसमें नॉर्वे फर्स्ट है, उसके बाद डेनमार्क सेकंड है, स्वीडन थर्ड है को प्राप्त है। नॉर्वे को लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि इरिटिया 16.67 स्कोर के साथ 180वें यानी कि अंतिम स्थान पर इरिट्रिया। अब देखा जाए नॉर्वे पहले, उसके बाद डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नीदरलैंड, फिनलैंड, इरिटिया 180वें स्थान पर है सबसे वर्ष यानी कि इसमें देखा जाए सूचकांक में 31.28 सूचकांक के साथ 159वें यानी कि इंडिया 159 है ऑब्लिक कह सकते हैं 180 देशों में। विदित हो कि पिछले 2023 में सूचकांक भारत 169 था, थोड़ा अच्छा हुआ 159 हो गया 159 और 180 में। और नवीनतम सूचकांक में शामिल 5 संकेतकों में भारत की स्थिति निम्न है जैसे राजनीतिक क्षेत्र में 159 है,
20.1 स्कोर, आर्थिक क्षेत्र में 157 है, विधिक क्षेत्र में 143 है, सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में 156 है, सुरक्षा के 162 है। अब इसमें आगे आते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग जो है। अब 30 अप्रैल 2024 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2024 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का यह 12वां संस्करण है और वर्ष 2024 की रैंकिंग का तय करने के लिए 18 प्रदर्शन संकेतों यानी परफॉर्मेंस इंडेक्स का प्रयोग किया गया है, जिसमें नवीनतम रैंकिंग में एशिया महाद्वीप 31 देशों क्षेत्रों यानी कि 739 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रदान की गई और समग्र रैंकिंग में जापान की सर्वाधिक 119 विश्वविद्यालय शामिल हैं और इस दृष्टि से भारत 91 विश्वविद्यालय के साथ दूसरे स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 की रैंकिंग में भारत के कुल 75 विश्वविद्यालय की स्थान मिला था। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन का प्रथम स्थान है एशिया में और लगातार 8वां वर्ष यह विश्वविद्यालय रैंकिंग शीर्ष पे है और नवीनतम रैंकिंग में 10 विश्वविद्यालय में चीन मुख्य रूप से सर्वाधिक 5 विश्वविद्यालय इसके शामिल हैं। इसमें सिधुआ विश्वविद्यालय चीन सबसे पहले, पेंकिंग विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द सिंगापुर है ये तीसरे स्थान पर। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय की सूची में मात्र एक भारतीय संस्थान का स्थान प्राप्त है और भारतीय विज्ञान संस्थान है वो भी बंगलुरु इसी को मिला हुआ है। 100 विश्वविद्यालय की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। अब इसमें एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान जिसमें 32 भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु है 66.1, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई है 119 है, ठीक है, और 134 है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम केरल है। अब इसके बाद देखा जाए ये बहुत अच्छा है, विश्व प्रसन्नता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो होता है इंडेक्स रिपोर्ट, उसको 2012 से शुरू हुआ विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो WHR है, गैलप ऑक्सफोर्ड यानी कि बेलबोइंग रिसर्च सेंटर, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, संयुक्त राष्ट्र यानी कि पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क तथा वर्ल्ड, यहाँ पे कह सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के संपादकीय बोर्ड के मध्य एक समय साझेदारी है। उल्लेखनीय वर्ष 2024 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके के यही वेलबींग रिसर्च सेंटर एक प्रकाशन है का एक प्रसाद मतलब यही मिलके यहाँ पे बनाया है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके के वेलबींग रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। और इसमें याद रखने वाला क्या बात है, 20 मार्च 2024 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 जारी की गई और वर्तमान रिपोर्ट में 143 देशों को उनके नागरिकों के प्रसन्नता के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो 2024 का फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश यानी कि फिनलैंड को हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फिनलैंड को घोषित किया गया फिनलैंड को। और ये पहली बार नहीं है, 7 बार से यही चला आ रहा है और इसमें समग्र रैंकिंग ओवरऑल रैंकिंग अफगानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त है और यह विश्व का सबसे दुखी देश है अफगानिस्तान, अनहैप्पीनेस मतलब इंडेक्स में सबसे पीछे। बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की सूच में लिथुनिया को सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया है, लिथुनिया का 30 वर्ष से कम, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के सूच में डेनमार्क विश्व का सबसे क्या है, डेनमार्क मतलब खुशी है मतलब हैप्पीनेस है। अब देखा जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में शीर्ष देश कौन है, फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, आइसलैंड है। और इसमें देखा जाए विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 समग्र रैंकिंग में भारत का क्या है, 126वां मतलब स्थान है,
सिक्स स्थान है, और ये बेसिकली ओवरऑल मतलब कि 126 स्थान किसका है, इंडिया का 143 कंट्री में, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो और 4.05 इसका मतलब क्या है, रैंक मतलब स्कोर है। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भी भारत के 126 स्थान प्राप्त हुआ था, और 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को प्रसन्न रैंकिंग में भारत का 127वां स्थान है, जबकि 60 वर्ष से ऊपर इसके आयु में 121वां स्थान। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन जो है, ज्ञातव्य है कि 19-20 मार्च 2024 को लंदन यूके के एक विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन मार्च 2027 में मियामी अफ्रीका और में आयोजित किया गया था, मियामी में। अब देखा जाए, इसके बाद आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र और हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2023 क्या हैं। 11 मार्च 2024 को SIPRI का विश्व के पारंपरिक आयुर्वेदों यानी हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2023 ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2023, ठीक है। अब शीर्षक से जारी किया गया SIPRI और के आंकड़ों में सौदे जो है वित्तीय मूल्य के बाजार शस्त्र यानी कि डिलीवरी या फार्म की मात्रा दर्शाते हैं। अब देखा जाए इसमें स्मरणीय तत्व, 2019 और 2023 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश हैं तथा उसमें उनका विश्व के कुल शस्त्र निर्यात में हिस्सा इस प्रकार है, अमेरिका 42%, फ्रांस 11%, रूस 11% और चीन 5.8%, जर्मनी 5.6%। अब उक्त 5 शीर्ष जो शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश संयुक्त रूप से वर्ष 2019 और 2023 के दौरान विश्वव्यापी शस्त्र के 75% निर्यात हेतु उत्तरदायी हैं। वर्ष 2019-23 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र आयातकार देश हैं, उनका विश्व के शस्त्र आयात में हिस्सा इस प्रकार है, जैसे भारत 9.8%, सऊदी अरब 8.4%, कतर 7.6%, यूक्रेन 4.9%, पाकिस्तान 4.3%। उक्त शीर्ष 5 शस्त्र आयातकार का विश्व के कुल शस्त्र आयात के योगदान 35% है। 2019-23 के अवधि में भारत शस्त्रों का आयात में शीर्ष स्थान पर रहा। इस अवधि में भारत द्वारा शस्त्र आयात वैश्विक शस्त्र आयातों के 9.8% था। 2014 से 2018 और वर्ष 2019 से 2023 के मध्य भारत द्वारा शस्त्र आयातों में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई, और 2019-23 के अवधि में भारत के शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश जिसमें रूस है, भारत के कुल शस्त्र आयात में 36% के उत्तरदायी, फ्रांस 33% का है और अमेरिका 13% का। अब इसमें देखा जाए ओंकारवाट विश्व का 8वां अजूबा है, ओंकारवाट विश्व का 8वां अजूबा है। ओंकार जो यशोधरपुरम के नाम से भी जाना जाता है और ओंकार नौकार से लिया गया है, जो एक खमेर शब्द है जिसका अर्थ साम्राज्य है ओंकार, और वस्तुतः ओंकार जो है कंबोडिया के सीएम रिप प्रांत में अवस्थित है। ओंकार दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट में से एक है। ओंकार 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक खमेर कला की एक पूरी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, और यह प्रसिद्ध मंदिर ओंकारवाट जो स्थित है ओंकार को यूनेस्को द्वारा 1992 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ओंकारवाट के नाम से प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। ओंकार मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर साम्राज्य के राजा सूर्य वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। यह मंदिर मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि 12वीं सदी के अंत तक ओंकार
वाट का बौद्ध मंदिर में परिवर्तन कर दिया गया 15वीं शताब्दी में। उसके उपरांत ओमकार अपना महत्व धीरे धीरे खोता गया और 1860 में फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मोहोट के इस स्थल पर पहुंचने के उपरांत उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुआ। हाल ही में देखा जाए कंबोडिया में स्थित ओंकार यानी कि अंगोकार वाट जो है विश्व के 8वें अजूबे वंडर के रूप में अनधिकृत शीर्ष में नवाजा गया 8वां। 7वां जो ताजमहल है उसके बाद 8वां क्या है ओंकार मंदिर हो गया, ओंकार वाट मंदिर। और इटली के प्रसिद्ध पर्यटन शहर पोम्पाई को पीछे छोड़कर ओंकार विश्व का 8वें अजूबे का खिताब हासिल किया। इसकी आधिकारिक पुष्टि कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मोनोट तथा लंदन स्थित रॉयल असेंबली ऑफ कंबोडिया द्वारा की गई। गौरतलब है कि विश्व का 8वां अजूबा उन नई इमारतों यानी कि परियोजना यानी डिजाइनों का समेत अन्य को दिए जाने वाले एक अनौपचारिक शीर्षक जिन्हें विश्व का 7वां अजूबा के समान माना जाता है। विश्व के सात नए अजूबे जो हैं इसमें पुर्तगाल जिसमें लिस्बन शहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 7/7/2007 को विश्व के 7 नए अजूबों को आधिकारिक जो घोषणा की गई थी इसमें 7/7/2007 को आधिकारिक घोषणा के अनुसार विश्व के 7 नए अजूबे के सभी एक समान हैं तथा सूची में कोई रैंक नहीं प्रदान किया। और जिन 7 नए अजूबों की घोषणा की गई थी उनमें ताजमहल भारत है, कोलिजियम इटली है कोलिजियम, और मांचू जो है पेरू है, और पेट्रा है जॉर्डन है, चीन की महान दीवार है, और द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट यानी कि रिडीमर है ब्राज़ील में, और चिलचिल इत्जा मैक्सिको में है। ये देखा जाए ये 7 अजूबे हैं और इसे 8वां क्या ओंकार आठ का मंदिर। प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य अजूबे कौन हैं? प्राचीन अजूबे आश्चर्य में से केवल गीजा के एक महान पिरामिड ही शेष बचे हैं, बाकी भूकंप आग या अन्य कारणों से नष्ट हो गए। और प्राचीन समय के विश्व के 7 मूल आश्चर्य जो अजूबे निम्नलिखित हैं जिसमें गीजा के महान पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा मिस्र है, ठीक है, और रोडस का कोलंबस जो कोलंबस रोडस है ग्रीस का, अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस ऑफ द अलेक्जेंड्रिया मिस्र ये भी ख़त्म हो गया, और माउसोलस का मकबरा है माउसोलस तुर्की में, और आर्टेमिस का मंदिर है टेंपल ऑफ आर्टेमिस तुर्की में है, और ओलंपिया ऑफ जीवस की मूर्ति है स्टैचू ऑफ जीवस एट ओलंपिया प्राचीन ग्रीस है, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन इराक में है, ठीक है, ये सब बेसिकली पुराने थे। अब देखा जाए नेक्स्ट आते हैं स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया, ठीक है, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य घोषित हुआ। और अप्रैल देखा जाए 1949 में अमेरिका कनाडा 10 पश्चिमी यूरोपीय देश जिसमें कि यूके फ्रांस इटली नीदरलैंड बेल्जियम और पुर्तगाल डेनमार्क नॉर्वे और आइसलैंड लग्जमबर्ग ने वाशिंगटन संधि यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए जिसके फलस्वरूप नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, ठीक है, इसी से इसका गठन हुआ था। अब आगे आते हैं हम लोग, नाटो एक अंतर सरकारी राजनीतिक सैन्य गठबंधन यानी पोलिटिकल मिलिट्री अलायंस है जिसके उद्देश्य एक संगठित सुरक्षा प्रणाली के सृजित हित उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के स्वतंत्र एवं स्वायत्त देशों को एक छत के नीचे लाना, जिसमें विदित है कि नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक गठबंधन है। नाटो का मुख्यालय हेडक्वार्टर इस संगठन का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र मुख्यालय जिसे ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। अब इसमें याद रखने वाला क्या है, 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया। अब वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के उत्तर अटलांटिक संधि
अंगीकरण यानी कि SSN से संबंधित दस्तावेज जमा यानी कि डिपॉजिट करने के साथ ही स्वीडन को नाटो की सदस्यता प्राप्त की गई है, यानी कि 32वां सदस्य बन गया। कौन? स्वीडन बन गया। अब स्वीडन एक नॉर्डिक देश है, नॉर्डिक कंट्री है, और यह वर्ष 1995 से यूरोपीय संघ का सदस्य है। हालांकि अभी तक इसे यूरो यानी कि यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। स्वीडन एवं नाटो के मध्य संबंध जो वर्ष 1994 के स्थापित हुए, अब जब स्वीडन यानी कि पार्टनरशिप फॉर पीस यानी कि पार्टनरशिप फॉर पीस में शामिल हुआ है। अब देखा यहाँ पे याउंडे घोषणा क्या है। याउंडे घोषणा तो देखा जाए अफ्रीका क्षेत्र मलेरिया संकट का केंद्र बना हुआ है, और वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार सभी वैश्विक मलेरिया मामले में 94% और वैश्विक मलेरिया से संबंधित मौतों को 95% मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं, और कुल वैश्विक मलेरिया जो है वैश्विक मलेरिया 70% से अधिक मामले 11 मामले अफ्रीकी देश में हैं। अब 6 मार्च 2024 को 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा मलेरिया से होने वाले मृत्यु दर में स्वतरित कम लाने वाले मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में अटूट प्रतिबद्धता यानी व्यक्त करते हुए यहाँ कैमरून या उंडे है और में एक घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया जिसे याउंडे घोषणा पत्र यानी कि के नाम से जाना गया। गौरतलब है कि इस घोषणा पत्र को अपनाने वाले 11 देशों में इसमें बुर्किना फासो है, कैमरून है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, घाना है, माली है, मोजाम्बिक है, नाइजीरिया है और नाइजर है, और सूडान है, युगांडा है, तंजानिया, ये सब शामिल है। अब याउंडे घोषणा के केंद्रीय विषय जो है मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, इसका एक केंद्रीय मतलब सब्जेक्ट है नो वन सेल डाई फ्रॉम मलेरिया फॉर आधारित था। इसके माध्यम से अफ्रीका में मलेरिया मृत्यु दर में त्वरित कमी की घोषणा की गई। अब देखा जाए इसके बाद वैश्विक जो है आतंकवाद सूचकांक 2024 लॉन्च हो गया। तो 4 मार्च 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो GTI है 11वें संस्करण को जारी किया है। यह सूचकांक विश्व के 163 वैश्विक जनसंख्या का 99.7% आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। लगातार 9 वर्ष इस्लामिक स्टेट IS को विश्व का सबसे घातक आतंकवादी यानी कि डेडलिस्ट टेररिस्ट घोषित किया गया। गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत 71 देशों को मतलब शून्य कह सकते हैं, भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर, इस सब में एक तरह से आतंकवादी शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश 3 हैं, जिसमें एक तो बुर्किना फासो है सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पे इजराइल है और माली है, ठीक है। अब GTI जो 2024 में देखा जाए भारत का जो स्कोर है 14वां स्थान है आतंकवाद से, मतलब जो यानी कि 6.32 है, तो ये भी काफ़ी भयाव स्थित है। पोखरा यानी कि पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी बनी, यानी कि पोखरा क्या है नेपाल की एक मतलब पर्यटन राजधानी बनी, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। पोखरा नेपाल की गंडकी प्रांत का एक मुख्य नगर है, यह नेपाल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का एक प्रवेश मार्ग यानी कि अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का एक प्रवेश मार्ग गेटवे भी कहा जाता है। यह नगर फेवा झील फेवा लेक के उत्तर पर स्थित है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता यानी कि सांस्कृतिक समृद्ध मनोरंजक गतिविधियों की विविध श्रृंखला तथा पर्यटन के केंद्र के रूप में लंबे समय से चिन्हित किया जाता है। अब मार्च 2024 में नेपाल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पोखरा को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। यह घोषणा फेवा झील के तट पर स्थित बराही घाट पर आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान किया गया।
पोखरा विभिन्न झीलों का एक का घर भी कहा जाता है, जिसमें फेवा एक फेवा झील है और बेगनास झील है, रूपा झील है, ये सब जो कि नौकायन तथा मछली पकड़ने यानी दर्शनीय स्थलों की यात्रा हेतु पर्यटक को आकर्षित करता है। ठीक है, अब आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2024 इसके रूप में हम लोग देते हैं, यानी कि आपको इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक विशेष रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन देखा वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका स्थित विचार मंच यानी कि थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन यानी कि हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। और इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक जो स्वतंत्रता का मापन है चार व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मंत्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों को के साथ आधार पर किया जाता है। 26 फरवरी 2024 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया और यह सूचकांक 30वां संस्करण था इसका, और इसमें देखा जाए 176 स्वायत्त देशों के आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। अब इसमें चार देशों जिसमें सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड तथा ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर यानी कि 80 से अधिक प्राप्त हुआ, और इन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र यानी कि इकोनॉमिकली क्या बोलते हैं फ्री की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। अब देखा जाए इसमें 50 से लेकर 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाला 62 अर्थव्यवस्था यानी कि प्रायः गैर स्वतंत्र यानी कि मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया। भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, रूस जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ इस श्रेणी में शामिल हैं। सूचकांक में देखा जाए सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो 2024 में भारत का स्कोर 52.9 है, जो मोस्टली कह सकते हैं अनफेयर है यानी कि 126वां स्थान है इसका। ठीक है, अब देखा जाए इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन है यानी कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी कि GPI ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2022-12 से जारी की जा रही, और इसे सूचकांक को 50 विभिन्न संकेतों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा और संरचना का मूल्यांकन किया गया। अब इसमें 12 फरवरी 2024 के यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति GIPC द्वारा वैश्विक यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया, और वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक का यह 12वां संस्करण है, और इस सूचकांक में विश्व के 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद GDP में 9% से 90% से अधिक का योगदान है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में शीर्ष जो तीन देश हैं सबसे अच्छा के इसका है संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूनाइटेड किंगडम का है, फ्रांस का है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक 2024 में 55वें स्थान की सूची में भारत क्या है, मतलब 55 देशों में 42 मतलब स्थान है भारत का, और दक्षिण क्षेत्रीय मतलब जो दृष्टि से देखा जाए एशिया में 15वें सूची में है, 15 में से 12वें स्थान पर है। तो अगर देखा जाए इसके बाद हमारे पास भ्रष्टाचार बोधक सूचकांक जो है 2023 अभी 2024 का नहीं आया है, तो 2023 का यानी कि 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन यानी कि प्रेसिपिटेशन इंडेक्स CPI जो होता है CPI जारी किया गया। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों एवं क्षेत्रों को वही प्राप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। जैसे स्मरणीय तथ्य जो है 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी जो मतलब इंटरनेशनल कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स 2023 जारी
किया गया। प्रतिवर्ष जारी होने वाले इस रिपोर्ट का 29वां संस्करण है और भ्रष्टाचार बोधक सूचकांक 2023 में 13 सर्वेक्षण एवं विशेषज्ञ मूल्यांकनों के आधार पर विश्व के क्या कहते हैं 180 देशों एवं क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों को अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई और इस सूचकांक में 0 से लेकर 100 अंकों तक विस्तृत पैमाने का प्रयोग किया गया है, जहां 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट है यानी कि हाईली करप्शन और 100 का अर्थ सर्वाधिक ईमानदार यानी कि वेरी क्लीन। अब सूचकांक के लगातार 6वें वर्ष जो डेनमार्क है इसका स्कोर 90 है शीर्ष स्थान पर, जबकि सोमालिया का स्कोर सबसे खराब है 11वें अंतिम स्थान पर है। तो डेनमार्क देखा जाए पहले स्थान पर 2023 में और 90 स्कोर के साथ, फिनलैंड दूसरे स्थान पे है 87 है और न्यूजीलैंड का 85वां स्कोर है। और सीपीआई में लास्ट जो भ्रष्ट हैं तो सोमालिया सबसे भ्रष्ट कंट्री में आता है 180 रैंकिंग पे और 11वें मतलब इसको 11 स्कोर है। वेनेजुएला में वेनेजुएला 177 आते 13 स्कोर है। अब सीरिया हो गया 177 है 13वें, सूडान भी 177 13वें। भ्रष्टाचार बोधक सूचकांक में देखा जाए 39 अंकों के साथ 93 स्थान पे 39वां अंक है इसका और 93 मतलब एक पोजीशन है और कितने 180 कंट्रियों में 93 यानी कि 25वां स्थान 2022 में था, अब 93वां स्थान आ गया और ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हम लोग। और उल्लेखनीय है कि भारत के अतिरिक्त कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव भी 93 रैंक पे हैं। ठीक है, अब देखा जाए गरबा। गरबा एक मानवता की एक अमूर्त यानी कि संस्कृत विरासत है। गरबा मानवता की एक अमूर्त और संस्कृत विरासत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब अमूर्त विरासत के अंतर्गत ऐसी परंपराएं सम्मिलित हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता और जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जबकि मूर्त विरासत के अंतर्गत साक्षात एवं देखी जा सकने वाली कलाएं प्रस्तुत वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे स्थापत्य हैं, मूर्ति है, चित्र आदि। अमूर्त संस्कृत विरासत में केवल पूर्वजों से प्राप्त परंपराएं ही शामिल होती हैं, बल्कि इसमें ऐसी समकालीन ग्रामीण एवं शहरी परंपराएं शामिल हैं जिन्हें विविध सांस्कृतिक समूह प्रतिभाग करते हैं। जैसे अस्मरणीय तथ्य है जो अमूर्त संस्कृत विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति यानी इंटर गवर्नमेंट कमेटी यानी यूनेस्को फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की 18वीं वार्षिक बैठक है 5 से लेकर 8 दिसंबर 2023 के मध्य कसाने यानी कि बोत्सवाना में संपन्न। इस बैठक के दौरान कुल देखा जाए 51 नई विरासतों यानी कि यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया गया और 51 जो विरासत में 45 मानव की अमूर्त संस्कृत विरासत के प्रतिनिधित्व सूची है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल है, जबकि 6 विरासतों का अविलंब यानी संरक्षण की आवश्यकता वाली जो अमूर्त संस्कृत विरासत की सोच लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज नीड ऑफ अर्जेंट सेफ गार्डिंग शामिल है। इस वार्षिक बैठक के दौरान गुजरात के गरबा मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। गरबा भारत के 15वीं अमूर्त संस्कृत विरासत है जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तपूर्ण नृत्य है जो हिंदू त्योहारों एवं नवरात्रि को अवसर पर होता है। यातव्य गरबा शब्द की उत्पत्ति जो है गर्भदीप से हुआ, यानी कि गोलाकार छेद वाले एक मटके को गर्भों के नाम से जाना जाता है और यह मटका मानव शरीर का प्रतीक है और इसके अंदर जलता हुआ दीपक दिव्यानी की आत्मा का प्रतीक है। इस गर्भों के स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, घूमकर नृत्य किया जाता है। इस गर्भों की स्थापना करने के बाद
और इस नृत्य को गरबा कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत अमूर्त संस्कृत विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य है, ठीक है, अमूर्त संस्कृत विरासत का। और इस 24 सदस्यीय समिति में भारत का चुनाव 2022 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया। भारत की अमूर्त संस्कृत विरासत जो है, ये देखा जाए ये कितने हैं हमारे पास, 15वां है और ये 15वां नंबर का गरबा है। तो इसमें देखा जाए भारत की अमूर्त संस्कृत विरासत, जिसमें यूनेस्को के अमूर्त संस्कृत विरासतों की सूची में शामिल भारत की परंपराएं जो है, एक तो रामलीला है, रामायण की परंपरागत प्रस्तुत जो 2008 में की है, अब वैदिक मंत्रोच्चारण परंपरा 2008 है भी, और कुटिपत्तम संस्कृत जो नाटक होता है जो 2008 में भी, रम्मन गढ़वाल जो गढ़वाल है, और हिमालय का धार्मिक उत्सव है अनुष्ठानिक रंगमंच है 2009, और मडियदूम और केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच है नृत्य नाटक 2010, कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है और 2010 में ये छऊ नृत्य, यानी कि पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है 2010। लद्दाख बौद्ध मंत्रोच्चारण यानी कि ट्रांस हिमालय लद्दाख क्षेत्र यानी कि जम्मू और कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ यानी कि 2012। संकीर्तन यानी कि मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन यानी कि ढोल वादन एवं नृत्य। पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों के शिल्पकला, और 2014 योंग 2016 में नवरोज जो वर्ष में उत्सव का मतलब नए वर्ष के रूप में उत्सव के रूप में मनाया जाए, कुंभ मेला 2017 में और कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में और गुजरात का गरबा 2023 में। ये भी क्या हो गया, ये सब क्या भारत के अमूर्त संस्कृत विरासत हैं। ये तो 15वां गरबा भी है, तो ये पूछा जा सकता है। और अब देखा जाए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो हमारे पास है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, और ये 2024 का आया। तो इसमें देखा जाए बेसिकली क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। यह विभिन्न देशों के जो जलवायु संरचना जो समृद्ध संबंध प्रयासों एवं तुलनात्मक अध्ययन है और प्रस्तुतकर्ता इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा, और इस सूचकांक के तहत 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन के मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता। ज्ञातव्य है कि यूरोपियन यूनियन के 63 अन्य देश संयुक्त रूप से विश्व के लगभग 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं। यह सूचकांक जो है 4 श्रेणियों में विभक्त है, जिसमें 14 संकेतों को देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर इसे किया जाता है। और ये 4 श्रेणियां हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल स्कोर 44% है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा है जो कुल स्कोर 20% है, ऊर्जा उपयोग कुल स्कोर 20% है, जलवायु नीति है और ये 20%। इसमें देखा जाए याद रखने वाला जो है 8 दिसंबर 2013 को 23 को सारी COP28 और ये दौरान जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, जिसे हम लोग कैन बोलते हैं, कैन यानी क्लाइमेटिक एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी कि क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया।
और इसका 19वां संस्करण था ये। और CPI जो है क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना पाया। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया, ठीक है, इसीलिए इसमें दिया नहीं गया। कोई भी देश वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग 1.5 की सीमा के अंतर्गत रहने के मार्ग का अग्रसर नहीं है, अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च यानी कि वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुआ। डेनमार्क ने CCPI 2024 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में 4था स्थान है और हासिल किया। और सऊदी अरब जो स्कोर है और 19.33 सूचकांक में अंतिम यानी कि 67वां स्थान है इसका, सबसे खराब। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन देश चीन पिछले वर्ष समान 91वें स्थान पे ही है, उसी के समान। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन देश जो है अमेरिका है और 57 स्थान पे है। CCPI जो है CCPI है 2024 में 3 G20 सदस्य जिसमें भारत 7वें स्थान, जर्मनी 14वें स्थान और यूरोपीय संघ क्या है 16वें स्थान उच्च प्रदर्शन करने वाले हाई परफॉर्मेंस देशों के रूप में शामिल है। विश्व ग्रीन हाउस गैस जिसमें 75% से अधिक उत्सर्जन के लिए G20 देश शामिल हैं। अब देखा जाए इसमें जो देश हैं शीर्ष देश हैं सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 4थे नंबर पर डेनमार्क है। किसी को देखा जाए पहला दूसरा तीसरा स्थान नहीं दिया गया है। 4थे से स्टार्ट होता है डेनमार्क और इस्टोनिया है 5वें, फिलिपिन है 7वें पे भारत है। और अंतिम जो देश हैं सबसे खराब सऊदी अरब है, ईरान है और UAE है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का 7वां स्थान है और ये 70.25 स्कोर किया है। और सूचकांक को निर्धारित करने वाले 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन जो है जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इसका स्कोर कितना है 31.22 यानी कि 9वें स्थान पे उच्च है। नवीकरणीय ऊर्जा में 6.27 है 37वें, मध्यम है। ऊर्जा उपयोग में 16.42 स्कोर है 10वें है, उच्च है। जलवायु नीति में 16.38 है 10 है, मध्यम। विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष देश जो हैं जैसे देखा जाए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन फिलिपीन, ठीक है, 4 रैंक है, उच्च है। और नवीकरणीय ऊर्जा नॉर्वे और अत्यधिक उच्च है। ऊर्जा उपयोग है फिलिपीन, उच्च है। और जलवायु नीति है नीदरलैंड हो गया, मध्यम है। अब इसके बाद देखा जाए हमारे पास टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 वर्ष 1923 स्थापित टाइम्स पत्रिका द्वारा 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। मतलब पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, ये बहुत पुराना एक तरह से 1923 से चला आ रहा और कह सकते हैं 1927 से एक मतलब कंटिन्यूसली हर साल चुना जाता है। और 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में मैन ऑफ द ईयर यानी कि चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया, चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया था, ठीक है। अब देखा जाए इसमें याद रखने वाला जो तथ्य है 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स द्वारा 2029 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। और देखा जाए 2023 में प्रख्यात अमेरिकी गायक गीतकार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। टेलर स्विफ्ट को आप सभी लोग जानते ही होंगे, गाना वगैरह सुना ही होगा, ठीक है, तो स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया। और ज्ञातव्य है कि 2017 में टाइम्स पत्रिका ने द साइलेंस ब्रेकर नामक समूह यानी कि पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इसमें पत्रिका के कवर पेज पर शामिल महिलाओं टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया था। द साइलेंस ब्रेकर समूह ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ हुए
यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे और इस प्रकार टेलर स्विफ्ट टाइम्स के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। ठीक है, अब साथ ही कला आर्ट के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों हेतु टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, और टाइम्स पत्रिका द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में घोषित विजेताओं की सूची जिसमें CEO ऑफ द ईयर है तो सैम अल्टमैन है और ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के CEO हैं सैम अल्टमैन, एथलेटिक ऑफ द ईयर हैं लियोन मेसी हैं फुटबॉल के, और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर हैं यानी एलेक्स निवेली हैं और ये आप जानते हैं। अब देखा जाए इसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यानी कि QS क्या है यानी कि हम अभी पढ़ेंगे QS। यहाँ पे क्यू स्क्रैली सिंबल होता है एक QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 यानी कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ब्रिटिश QS मतलब जो द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के विशेष विश्वविद्यालय पर प्रकाश डालती है और इसमें 11 संकेतक इंडिकेटर होते हैं। 8 नवंबर 2023 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी किया गया, इसका 16वां संस्करण था। ये 25 देशों के एक क्षेत्र को 856 संस्थानों को शामिल किया और इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के 148 हैं और पिछले वर्ष की तुलना में 30 अधिक है। ज्ञातव्य वर्ष में भारत में 118 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल है। चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। पेकिंग विश्वविद्यालय हांगकांग विश्वविद्यालय ये हम लोग, और इसमें देखा जाए IIT बॉम्बे हो गया और IIT दिल्ली हो गया, इस तरह से आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं। अब ग्वालियर एवं कोझिकोड UCCN में शामिल। अब UCCN क्या है, यूनेस्को के रचनात्मक शहर के नेटवर्क हैं यानी कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का सृजन वर्ष 2004 में ऐसे शहर के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया जिन्होंने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण स्तर पर सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक रणनीतिक घटक यानी कि स्ट्रेटजिक फैक्टर के रूप में रचनात्मक करता यानी क्रिएटिविटी को मान्यता प्रदान की। और यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में जिन 7 रचनात्मक क्षेत्रों को आच्छादित यानी कवर किया गया है वे हैं शिल्प एवं लोक कलाएँ, ठीक है, मीडिया आर्ट है, फिल्म है, डिजाइन है, पाप कला है जिसमें गैस्ट्रोनॉमी साहित्य और संगीत है। अब 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस यानी वर्ल्ड सिटी डे यानी कि 55 शहरों को यूनेस्को संरचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। और यूनेस्को के महानिदेशक आद्रे अजोले आप जानते हैं 55 नए शहरों के यूनेस्को संरचनात्मक शहर का दर्जा प्रदान किया गया। इन नए शहरों का जो शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या 350 हो गई है। 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहर के नेटवर्क के शामिल किए गए जिनमें 2 भारतीय शहर हैं जिसमें 2 भारतीय शहरों में से जिसमें कोझिकोड़े हैं एक, दूसरा ग्वालियर है। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में जबकि कोझिकोड़े को साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2015 में जयपुर शिल्प एवं लोक कला के श्रेणी में वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में, वर्ष 2017 में चेन्नई संगीत के क्षेत्र में, वर्ष 2019 मुंबई फिल्म के क्षेत्र में, हैदराबाद पाक कला के क्षेत्र में और वर्ष 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। स्पष्ट है कि ग्वालियर और कोझिकोड़े को शामिल किए जाने के बाद यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल भारतीय के कुल 8 शहर हैं। भारत के कुल 8 शहर हो गए, जैसे एक तो हमारे पास जयपुर हो गया, वाराणसी हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, श्रीनगर हो गया और कोझिकोड़े हो गया और ग्वालियर हो गया।
अब ग्वालियर मध्य प्रदेश शहर के यूनेस्को संगीत संगीत के शहर सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता प्रदान की, और ग्वालियर की यह ख्याति संगीत के क्षेत्र के दिग्गजों अर्थात संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के कारण स्थापित हुआ। ठीक है, अब कोझिकोड़े जो केरल के यूनेस्को साहित्य के शहर हैं सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता प्रदान की है। साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय शहर है। ठीक है, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय शहर। ज्ञातव्य कोझिकोड़े वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव यानी केरला लिटरेचर फेस्टिवल का अस्थाई आयोजन स्थल है। अब इसमें आते हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सुर्खियों में है, तो बेसिकली देखा जा हो सकता है इसमें जियोग्राफी से रिलेटेड आ जाए, उसके पोजीशन अगर लोकेशन से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं। इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद है इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में अवस्थित यरूशलम की समस्या इजराइल फिलिस्तीन के विवाद संबंधित बुनियादी समस्याओं में से एक है। इसमें ज्ञातव्य है कि इस्लाम ईसाई यहूदी धर्मों के इस क्षेत्र से संबंधित अपने अपने दावे हैं, जिसमें 1948 से 49 के इजराइल अरब युद्ध के इजराइल ने पश्चिम यरूशलम जबकि जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलम पर अपना अधिकार कर लिया था। अब वर्ष देखा जाए 1967 इजराइल ने पूर्वी यरूशलम जॉर्डन से छीन लिया और इजराइल पूरे यरूशलम को पवित्र राजधानी के रूप में मानता है, जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलम को भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानता है। मूल फिलिस्तीनी मुख्य रूप से गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में निवास करते हैं। वर्तमान में गाजा पट्टी जो हमास है नामक नए सैन्य संगठन का शासन है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल अपनी सीमा को वर्ष 1967 के पूर्व की स्थिति में ले जाए और इजराइल अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति छोड़े और पूर्वी यरूशलम स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की राजधानी बने। अब इसमें क्या मुझे याद रखना, आप लोगों को याद रखना, 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया। ठीक है, हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, और इस ऑपरेशन का सांकेतिक अर्थ है इजराइल द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद पर की गई इजराइल बर्बादी का उत्तर देना। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य गाजा की 15 वर्ष की इजराइल नाकेबंदी को भी खत्म करना है, और इसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन एंड स्वॉर्ड्स नामक अभियान चलाया। और इसमें देखा जाए 27 अक्टूबर 2023 के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी मानवीय सहायता के निर्बाध पहुंच तथा इजराइल हमास संघर्ष रोकने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में 112 देशों ने मतदान किए जबकि 14 देश इसके विरोध में थे। 45 देश भारत सहित मतदान के समय अनुपस्थित थे। ठीक है, इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में इजराइल एवं अमेरिका शामिल हैं। ठीक है, और भारत इजराइल फिलिस्तीन के क्षेत्र में 2-स्टेट थ्योरी का समर्थन करता है और इसमें एक स्वतंत्र सर्वप्रभुत्व फिलिस्तीनी का पक्ष समाहित है। और ज्ञातव्य कि हमास इजराइल संघर्ष में भारत के विदेश मंत्रालय के अक्टूबर 2023 में अपनी पुराने रुख को दोहराते हुए 2-स्टेट थ्योरी का ही समर्थन किया और हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर
23 को इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया और केंद्रीय विदेशी मंत्री जो एस जयशंकर द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किए जाने की घोषणा की। इस युद्ध के दौरान 24 से 30 नवंबर 2023 के मध्य इजराइल एवं हमास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीन उग्रवादी समूह के बीच अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया और जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इजराइल के सशस्त्र सेना और हमास के सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के अधिकार का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को वार्षिक वैश्विक सूची यानी एनुअल ग्लोबल लिस्ट ऑफेंडर के में शामिल किया है। इस सूची को आमतौर पर शर्म की सूची यानी लिस्ट ऑफ शेम के नाम से भी जाना जाता है। गाजा पट्टी, यह मध्य पूर्व में मिस्र और इजराइल के बीच भूमध्य सागर की एक सीमा से लगा हुआ पतली पट्टी है और इसका क्षेत्रफल 360 वर्ग किमी है। बस अब देखा जाए धोरेडो यानी कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना। और ये धोरेडो कहाँ है भाई? तो अब सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जिसमें पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक पहल है। इस पहल को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया है और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन यानी टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम का एक अंग है। इस पहल के अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान किया जाता है जो पर्यटन के अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ संचालन यानी स्ट्रांग ड्राइव बनने हेतु यहाँ पे प्रतिबद्ध है, ठीक है। अब देखा जाए स्मरणीय तथ्य जो है यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है UNWTO जनरल असेंबली का 25वां सत्र जो है ये कब हुआ? 16 से लेकर 24 अक्टूबर 2023 के मध्य अस्मरकंद यानी उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ, ठीक है। अब देखा जाए इस सत्र के दौरान UNWTO द्वारा 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची को घोषित किया गया। वर्ष 2021 से जारी की जा रही इस सूची का यह तीसरा संस्करण है। सभी वैश्विक क्षेत्रों के कुल जो 54 गांव को वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया। इसमें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलित जो 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का धोरेडो गांव शामिल है। और धोरेडो गांव कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ के महान रण यानी कि ग्रेट रण कच्छ में स्थित धोरेडो वार्षिक रण उत्सव यानी कि रण उत्सव के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। और रण उत्सव कच्छ यानी कि गुजरात में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है जो इस क्षेत्र के पारंपरिक कला संस्कृति संगीत शिल्प और प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय फरवरी 2023 में भारत के G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह जो था बैठक धोरेडो में ही आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि UNWTO द्वारा भारत के दो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया जा चुका है और धोरेडो 2023 में 2021 में पोंचामली जो तेलंगाना में है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में ये दो गांव अभी तक आए हैं। पोंचामली का यह यहाँ की उत्कृष्ट जो साड़ियाँ के लिए भारत के सिल्क शहर यानी कि सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से पोंचमपल्ली को जानते हैं। अब वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 क्या है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक मोनास सेंटर ऑफ फॉर फाइनेंशियल स्टडी यानी कि मोनास यूनिवर्सिटी स्थित मोनास बिजनेस स्कूल का अंग है और मर्सर का सहयोग से सी एफ ए संस्थान यानी कि
निवेश क्षेत्र में पेशेवरों का वैश्विक संघ द्वारा प्रायोजित एक सर्वेक्षण और गौरतलब है कि वर्ष 2023 के सूचकांक विश्व भर 47 वर्ष पेंशन प्रणाली राष्ट्रों का एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता हूँ। अब देखा 17 अक्टूबर 2023 मर्सर यानी CFA इंस्टीट्यूट ऑफ द वैश्विक पेंशन सूचकांक यानी कि मर्सर यानी CFA इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI और 2023 जारी किया। यह इस सूचकांक का 15वां वार्षिक संस्करण है। MCGPA जो 2023 के अनुसार नीदरलैंड आइसलैंड डेनमार्क और इजराइल के सेवानित्र आम प्रणाली विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें देखा MCGPA 2023 के शीर्ष नीदरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो। MCGPI 2023 में भारत का 45वां स्थान था और ये 45.9 स्कोर किया गया। तब है कि 2022 के अनुसार भारत 41वां स्थान था और 45वां में चला गया। अब देखा जो वैश्विक भूख सूचकांक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके रूप में 2023 आया। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसी युक्ति है जो वैश्विक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर भुखमरी की गणना एवं उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई। वैश्विक भूख सूचकांक चार संकेतों तथा अल्प पोषक जिसमें अंडर नूरिशमेंट बाल दुर्बलता चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मतलब इसमें ठिगनापन यानी चाइल्ड स्टंटिंग जो टेढ़ा खड़ा होते बाल मृत्यु दर चाइल्ड मोरलिटी के आधार पर तय किया गया यानी कि अल्प पोषण यानी कि अंडर नूरिशमेंट बाल दुर्बलता बाल वेस्टिंग और बाल ठिगनापन यानी कि बाल स्टंटिंग जो बाल चाइल्ड मोरलिटी आधार पर तय किया गया। अब इसमें देखा जाए मेनली हमें क्या ध्यान रखना है। 12 अक्टूबर 2023 को कर्सन वर्ल्ड वाइड यानी कि बेल्ट हंगरी लिस्ट है वो जारी किया गया संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया और ये 18वां वार्षिक संस्करण था। और 2023 की रिपोर्ट खाद्य प्रणाली को आकार देने में युवाओं की शक्ति द पावर ऑफ यूथ सेपिंग फॉर फूड सिस्टम ये विषय केंद्रित था, इसका थीम था। 2023 के सूचकांक जो 125 देशों का है और 2023 में जो यहाँ पे देखा जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 18.3 है। इसका स्कोर भुखमरी की मध्य मॉडरेट स्थित प्रदर्शित करता है। और वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भुखमरी की चरम भया यानी कि स्क्रीमिंग अलार्मिंग स्थिति में नहीं है, ठीक है, जबकि 9 देश भुखमरी के भया अलार्मिंग स्थिति का सामना कर रहे हैं और 9 देशों में से 6 देश जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य के हैं जिसमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोसोथो है और मेडागास्कर है, नाइजीरिया यमन है। और 2023 में ग्लोबल 100 इंडेक्स स्कोर के आधार पर भुखमरी की भया स्थिति के वर्गीकरण किया गया, जबकि 3 अन्य देश जिसमें बुरुंडी है, सोमालिया, दक्षिण सूडान उपलब्ध आंकड़ों के अपर्याप्त होने के कारण ग्लोबल 100 इंडेक्स स्कोर की गणना नहीं की जा सकी और उन्हें ज्ञात कारकों के आधार पर अंतिम रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया। और इसमें देखा जाए ग्लोबल 100 इंडेक्स 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में के अवधि पर मेडागास्कर में अल्प पोषण यानी अंडर नूरिशमेंट की दर जो थी 51% थी और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुर्बलता वेस्टिंग के सर्वाधिक मामले जो भारत में 18.7% दर्ज किए गए। वर्ष 2018-22 की अवधि में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ठिगनापन के मामले में बुरुंडी 55.8% सर्वाधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मृत्यु दर नाइजर में सबसे ज़्यादा 11% है। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जिनका ग्लोबल 100 इंडेक्स 5 से कम है और इन देशों की अलग अलग व्यक्तिगत रैंकिंग प्रदान नहीं की गई है बल्कि सामूहिक रूप से 1 से लेकर 20 रैंक का सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें 20 देशों में चिली
चीन, क्रोएशिया, कुवैत और लाटविया और सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात हैं, ये सब हैं शामिल हैं। और उज्बेकिस्तान जो ग्लोबल 100 इंडेक्स में 5 रैंक है, इसका सूचकांक जो 21वें स्थान पे है। जो ग्लोबल 100 इंडेक्स 2023 अंतिम 3 देश जो हैं जिसमें सबसे बेकार है, मध्य अफ्रीका गणराज्य है और 42.3 है यहाँ पे ग्लोबल 100 इंडेक्स, और 124वां स्थान है। मेडागास्कर है 41वां स्थान, और यमन है तो 123वां, 39.3। वैश्विक वैश्विक भूख सूचकांक में 2023 में भारत का रैंक जो है 111वां है ग्लोबल 100 इंडेक्स में, और स्कोर है 28.7 है परसेंट लोग कह सकते हैं। और स्पष्ट है कि ग्लोबल 100 इंडेक्स 2013 में 23 में भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद देखें नोबल पुरस्कार के लिए हम लोग यहाँ पे 2023 का और 2024 का आ गया, तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करें। अब देखा जाए हम लोग नोबल पुरस्कार 2023 कर लें, जैसे देखा जाए एग्ज़ाम अगर टल जाता है तो 2023 का नहीं 24 का भी पूछा जा सकता है अगर एग्ज़ाम में आता है, लेकिन हम लोग दोनों यहाँ पे स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे 2023 का है, लेकिन अब नोबल पुरस्कार 2024 का भी मिल चुका है। हाँ, इसी समय मिलता है सितंबर में, अरे सॉरी अक्टूबर में। तो अक्टूबर में जैसे देखा जाए 2023 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार की घोषणा की गई। ये पुरस्कार 10 सितंबर 2023 को प्रदान किए गए हैं ये पुरस्कार, और दिसंबर तक। और स्मरण तथ्य जो हमारे पास याद करने वाले, जैसे अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार किसे मिला, तो 2023 का, और इसमें देखा जाए तो 9 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है। अब इसमें देखा जाए बेसिकली जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज होता है मिलता है, ये तो स्टार्ट हुआ तो आपका 1969 से, और बाकी में तो बहुत पहले से मिलता है। ठीक है, इसकी कहानी लंबी है, हम लोग कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो है किसको मिला है उसकी बात करेंगे। जैसे अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 2023 में किसको मिला था, तो 9 अक्टूबर को दिया गया था। जैसे इस साल का जो मतलब कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज कब किया, 14 अक्टूबर को दिया गया, मतलब घोषित किया गया। और ये बेसिकली देखा जाए, अभी हम इसका नाम बता रहे हैं कौन कौन मिला, पहले आप 2023 का देख लीजिए। तो इसमें देखा जाए स्वीडन में स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 2023 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 यानी कि इसमें सर्विजिस्ट यानी कि रिक्स बैंक प्राइज ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2023 की घोषणा की गई। और यह पुरस्कार यहाँ पे कलाडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया, और कलाडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला हैं। और इनसे पूर्व 2009 में एलिनार ओस्ट्रम को मिला था, और 2019 में एस्थर डफला को। यह पुरस्कार जीते तीसरा यहाँ कैलेडोनिया और डोनाल्ड है। और यहाँ पे उल्लेखनीय है कैलेडोनिया डोलान जो है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की पहली ऐसी महिला विजेता हैं जिन्हें यह पुरस्कार अकेले सोलो में मतलब मिला, जबकि पहली दो महिलाएं जो विजेता थे वो संयुक्त रूप से मिला था। उल्लेखनीय है कैलेडोनिया गोल्डन है ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने पहली महिलाओं के संदर्भ में श्रम बाजार यानी कि लेबर मार्केट के परिणाम के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए एक पुरस्कार प्रावधान किया। और अब देखा जाए जो अभी हमने बात किया कि 14 अक्टूबर को जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़
कब अर्थशास्त्र में, 2024 मतलब 24 का, 2024 का मिल चुका है अभी। और इसमें देखा जाए नोबेल प्राइज जो मिला, तो इसमें तीन लोगों को मिला संयुक्त रूप में, और इसका डिटेल हम लोग करेंगे, लेकिन अभी आप नाम याद रख लीजिए क्योंकि आज ही के दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपको अभी अभी ये मिला है अर्थशास्त्र तीन लोगों को लिए। और इसमें देखा जाए पहले जो हैं एस मैगलू और दूसरा जॉनसन है एंड तीसरे रॉबिन्सन है। ये तीन मतलब इकोनॉमिस्ट हैं, इन्हें 2024 का इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज मिला 2024 का, ये आपको याद रखना। किसके लिए मिला है ये सब हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी आप इतने इसके साथ याद रख सकते हैं। अब इसके बाद देखा जाए हमें नोबेल शांति पुरस्कार 2023 और 24 दोनों हम बताएंगे। और नोबेल शांति पुरस्कार 2023 का 6 अक्टूबर को मिला था। और यहाँ पे देखा जाए जो नोबेल शांति पुरस्कार 2024 का 11 अक्टूबर को मिला है, 6 अक्टूबर 2023 यानी कि ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गया। और यह पुरस्कार ईरान के नरगेश मोहम्मदी को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया। और यातव्य नरगेश मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्त्री हैं और इस स्वतंत्रता सेनानी हैं। और यहाँ पे देखा जाए नोबेल पुरस्कार की घोषणा के समय नरगेश कैद में थी। और उल्लेखनीय है नरगेश मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले विश्व के 19वीं और ईरान की दूसरी महिला हैं। इनके पूर्व 2003 में ईरान के शिरीन एबादी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली प्रथम ईरानी महिला बनी थी। और अब देखा जाए यहाँ पे जो हम लोग डिटेल में तो पढ़े ही हैं, 10 अक्टूबर को 2024 को यानी कि जो शांति का 10 अक्टूबर नोबेल प्राइज 11 अक्टूबर 2024 को मिला। और ये निहोन और हिंडाक्सो संगठन है को मिला। और ये पुरस्कार निहोन हिंडाक्सो मिला है, और ये जापानी संगठन है जो हिरोशिमा नागासाकी से लोग प्रभावित हुए हैं उसी मतलब न्यूक्लियर को कम करने के लिए बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और ये 5 अक्टूबर को पहले, अब इस साल 10 अक्टूबर को ये घोषित हुआ। 5 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोल्म दक्षिण स्वीडिश एकेडमी जो है और साहित्य के नोबेल पुरस्कार द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर को घोषित किया। और वर्ष 2023 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक तो जॉन ओलोवा फासे को मिला, प्रदान किया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटक एवं प्रोज के लिए प्रदान किया गया जो अनसेबल भावनाओं को आवाज़ देता है। अब इस साल का जो नोबेल प्राइज 10 अक्टूबर 2024 को मिला। और ये साउथ कोरियन एक नोबेलिस्ट मतलब कह सकते हैं अब नोबेलिस्ट हो गई, तो दक्षिण कोरियाई लेखक जो हैं हांगकांग को दिया गया। और ये साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया इस साल का 2024 का। अब देखा जाए हम लोग आते हैं रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज,
मतलब कि जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसे दिया 2023, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, अब देखा जाए 2023 में 4 अक्टूबर 2023 में स्टॉकहोल्म यानी कि स्वीडिश स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस 2023 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार द नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री की घोषणा की गई। और देखा जाए यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन तीन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया, इसमें देखा जाए तीन लोगों को मिला था संयुक्त रूप में, जिसमें मोगी जी बेंडी हैं और मैसाचुस्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के, लुइस ई ब्रूस हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं, एलेक्सी एकेम्बी है एलेक्सी और नैनो क्रिस्टस और टेक्नोलॉजी इंक अमेरिका के हैं। ये तीन वैज्ञानिकों ने यह पुरस्कार क्वांटम डॉट को खोज में संश्लेषण के प्रदान के लिए किया गया। क्वांटम डॉट प्रयोग यानी कि QLED तकनीक पर आधारित है, कंप्यूटर मॉनिटरिंग और टेलीविजन स्क्रीन को प्रकाशित इल्यूमिनेट करने में ये LED का इसमें लैम्प में भी लगाया जाता है, साथ ही रोगी के शरीर में ट्यूमर वाले ऊतकों को भी हटाने में यानी कि ग्रीन लाइट की चिकित्सा प्रदर्शन किया जाता है। तो ये केमिस्ट्री के लिए में इस साल का देखा जाए 9 अक्टूबर को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला 2024 में, ये भी तीन लोगों को दिया गया, तीन लोगों को संयुक्त रूप से, जिसमें बेकर हैं पहले, दूसरे इसमें आ जाते हैं हस बीस हैं, तीसरे जो हैं मतलब जंपर ऐसे आप याद रख सकते हैं। और प्रोटीन अनुसंधान और स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए इन्हें मिला, ठीक है, एक डिजाइन के लिए और दो लोगों को स्ट्रक्चर के लिए मिला, ब्रेकर और हस बीस हैं जंपर हैं इनको मिला। उसके बाद आते हैं हम लोग भौतिकी के लिए, तो भौतिकी के लिए किसे मिला, तो भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2023 के बाद कर लें 3 अक्टूबर 2023 में स्टॉकहोल्म स्वीडिश यानी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 2023 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार फिजिक्स की घोषणा की। और यह पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया गया, ठीक है, इसमें पियरे गोस्टिनी ओहियो स्टेट से यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका और फेरिंग क्राउस्ट हैं और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स जर्मन के हैं और एलिन लू हुइली हैं और ए लुई विश्वविद्यालय स्वीडन के हैं। ये तीनों वैज्ञानिक को यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉन गतिशीलता यानी कि इलेक्ट्रॉन डायनेमिक के अध्ययन के लिए मिला। ये एस्ट्रोसेंट यानी कि एस्ट्रोसेंट पल्स उत्पादन वाले प्रयोगात्मक तरीकों की खोज के लिए किया गया। उल्लेखनीय परमाणु और अणुओं में इलेक्ट्रॉन की गति इतनी तीव्र द्रुत होती है उन्हें इस्टो सेकंड में मापा जाता है, यानी कि एक इस्टो सेकंड जानते हैं कितना होता है, 10^-18 माइनस क्या होता है 18 सेकंड होता है और समतुल्य होता है। और अब ये मतलब इस्टो सेकंड के मिले। अब देखा जाए इस साल का जो हमारे पास है, इस साल के भौतिक विज्ञान के जो मतलब नोबेल प्राइज मिले भौतिक विज्ञान के भौतिकी के, ये दो लोगों के लिए मिले, मतलब दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। एक तो हमारे पास जॉन जे हाफ फील्ड हैं, ठीक है, दूसरे यहाँ पे हिट्टन ये दिया गया है, हाफ फील्ड और हिट्टन याद रख सकते हैं। और ये 8 अक्टूबर 2024 को दिया गया, ठीक है। इसके बाद नोबेल प्राइज के पुरस्कार में चिकित्सा का बच जाता है, चिकित्सा विज्ञान और का नोबेल पुरस्कार 2023 को किसे मिला, अब इसके बारे में 2 अक्टूबर 2023 में द नोबेल असेंबली यानी कैरोलेंसिया इंस्टीट्यूट नोबेल असेंबली कैरोलेंसिया इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा 2023 से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइज ऑफ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की घोषणा की। और यह पुरस्कार संयुक्त रूप से
दो वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया और ये देखा कैटालिनिया कोरी हंगरी की और डू विस्मैन अमेरिका के, ये दोनों वैज्ञानिक मतलब खोज COVID-19 के विरुद्ध प्रभावशाली mRNA वैक्सीन के विकसित महत्वपूर्ण साबित हुआ और इन्हीं के द्वारा खोजा गया एक तरह से। और ये देखा जाए 7 अक्टूबर 2024 की बात है और ये मतलब मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन, ये दो लोगों को मिला। पहले तो ये हम लोग एम्ब्रोस कह सकते हैं एम्ब्रोस को, दूसरा यहाँ पे रूवकून को मिला, ये चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज मिला। तो ये देखा जाए नोबेल प्राइज का एक तरह से यहाँ पे नेम हमने पढ़ दिया, इस साल का भी दे दिया। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे टाइम्स बेसिक जो विश्वविद्यालय रैंकिंग है 2024 और इसके बारे में थोड़ा सा। टाइम्स वैश्विक जो विश्वविद्यालय रैंकिंग है ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स यानी कि हायर एजुकेशन का एक विशेष मतलब वार्षिक प्रकाशन होता है 2024 के रैंकिंग विश्वविद्यालय रैंकिंग 3.0 प्रवर्धित है यानी कि यहाँ पे मेथोलॉजी इसमें इस प्रविधि के अंतर्गत किसी संस्थान के प्रदर्शन 5 क्षेत्रों के विभक्त यानी कि 18 यानी कि प्रदर्शन संकेतों यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर मापा जाता है। अब देखा जाए इसमें बेसिकली एक शिक्षण यानी कि टीचिंग अनुसंधान परिवेश है, रिसर्च इन्वायरमेंट है और अनुसंधान प्रवणता और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण यानी कि इंटरनेशनल आउटलुक और यहाँ पर उद्योग जो इंडस्ट्री है उसके रूप में। अब इसमें याद रखने वाली बातें क्या हैं, 27 सितंबर 2023 को द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 20वां संस्करण है और 2024 की रैंकिंग में विश्व के 108 देशों में से क्षेत्र के कुल 1904 विश्वविद्यालय की रैंकिंग की गई और रैंकिंग में अमेरिका के सर्वाधिक 169 संस्थानों को शामिल किया गया। टाइम्स वैश्विक जो विश्वविद्यालय रैंकिंग है 2024 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इस रैंक का लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला मतलब विश्वविद्यालय। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय 200 विश्वविद्यालय के सूची में स्थान नहीं पाया और जिसमें सद रैंकिंग अनुसार भारतीय देखा जाए विज्ञान संस्थान बंगलुरु है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु भारत का शीर्ष संस्थान है। इस रैंक में 201-250 में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है भारत के 91 संस्थानों को इस रैंकिंग में स्थान हुआ। देखा जाए 201 से 250 भारतीय जो विज्ञान संस्थान है बंगलुरु कर्नाटक है और 501 से 600 अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई है और इसमें जामिया विश्वविद्यालय का 501 से 600 के बीच में है तो बहुत ख़राब स्थिति है जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय 601 से 800 के बीच में है। अब देखा जाए मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जिसमें देखा जाए मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात करता है के तहत जो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल नागरिक सिविल एवं आर्थिक इकोनॉमिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व के मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर स्मरणीय तथ्य हैं जो याद रखने वाला दिसंबर 2023 को वाशिंगटन DC स्थित कैट्रो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से HFI और 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक 9वीं वार्षिक संस्करण है और HFI 2023 वर्ष 2021 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों के यानी कि 9.8% शामिल किया गया जिसमें स्विट्जरलैंड है पहला, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा डेनमार्क और शीर्ष देखा जाए
दक्षिण एशियाई देशों में सिंगापुर पहले है, उसके बाद तिमोर लेस्ते हैं, दूसरा नेपाल है, भूटान है, चौथा थाईलैंड है, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत 9वें स्थान पे है, ठीक है, श्रीलंका 10। अब देखा जाए ये हमने, इसके बाद वैश्विक प्रतिभा यानी कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। अब इसमें देखा जाए 7 नवंबर 2023 को इनसेट बिजनेस स्कूल द्वारा डिस्कार्टेज इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर यानी कि डिस्कार्टेड इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर जेनेवा यानी ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट सिंगापुर के सहयोग से वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कम्पिटेटिव इंडेक्स जारी किया गया और इस सूचकांक का 10वां संस्करण था जिसमें GTCI 2023 में 134 देशों को शामिल किया गया। GTCI 2023 में प्रथम 5 स्थानों पर क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड स्थित, जबकि अंतिम 5 स्थानों पर चार जाए 134 कांगो डेमोक्रेटिक 133 इथोपिया है और मंजाबिक है, ये सब अंगोला है, ये सब देशों 103 में कह सकते हैं हमारे पास भारत है, निम्न मध्यम आय में मध्यम दक्षिणी एशिया में। रूल ऑफ द ऑफ लॉ इंडेक्स है 2023 का, ये क्या है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इस सूचकांक में देशों को प्रदर्शन का मूल्यांकन 8 कारकों यानी कि 8 फैक्टर के विभिन्न 44 संकेतों के आधार पर किया जाता है। इसमें याद रखने वाला क्या है, 25 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 यानी कि रूल ऑफ इंडेक्स 2023 जारी किया। यह सूचकांक विश्व के 142 क्षेत्राधिकारों के कानून जिसमें शासन रूल ऑफ द मूल्यांकन करता है, जिसमें सूचकांक शामिल है 3 देश के, जिसमें डेनमार्क हो गया 0.9 हो गया फर्स्ट रैंक और यहाँ पे 2023 में भी फर्स्ट रैंक, नॉर्वे 0.89 2022 में सेकंड 2023, फिनलैंड तीसरा। सूचकांक में वेनेजुएला 142वें अंतिम स्थान पे है जो कानून के शासन के अनुपालन के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश वेनेजुएला है। अब सूचकांक के शामिल 6 दक्षिणी एशियाई देश नेपाल 71वां और तथा श्रीलंका 77वां और भारत 79वां स्थान, ये त्रिदेश से तीसरे स्थान पे है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।